एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एवरीवन ऑफ इज डूइंग फैंटास्टिक। एंड गाइस, अभी सुबह सुबह 10:06 पे मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट, क्योंकि आज जो बाथरूम के सैनिटरी की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लेनी थी, और उससे ज़्यादा हमें जो एसेसरीज है वो लेने, जैसे कि नल हो गया, शावर हो गए, ये सारी चीज़ें आज हमें परचेज करने हैं। तो अभी चलते हैं पहले वहाँ पर, और जैसा होगा जो होगा वो आपको दिखाएंगे, और जो भी चॉइसेस होंगे। साथ में मैंने नीरज को ले लिया, जो भी सामान सामान होगा इधर उधर अपना साथ में कर लेंगे। एंड अब चलते हैं पहले शॉप पे और देखते हैं कि क्या आज का प्लान है। अभी आ चुका था जैकवार के इसमें, यहाँ से सारे नल वल जो भी लेने वो धीरे धीरे सब इकट्ठा हो चुका है, और अब लगने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है ना वो फिर आपको दिखाएंगे। तभी डाइवेटर, कंसील्ड, वॉल माउंट, पता नहीं क्या क्या सब कुछ लिए जा रहे हैं, बाकी लगने के बाद तो लुक होगा आपको दिखाएंगे। हाँ, टाइल वाले केमिकल भी रखने थे, चैनल पे सारी उसकी वो डाली हुई है। हाँ, सारे दिख जाएंगे। हाँ, ख्याल रखो। प्लॉट पे आ गया हूँ मैं, और मेरे साथ कौन आई है उंगली पकड़ के? माना। कौन है तू बता। माना है, तो ये माना है, और अभी और ऊपर चलना है माना। हाँ, और ऊपर। तो सनसेट होने वाला है, माना और नोना दोनों साथ में ही है। ऊपर हम लोग चटाई बिछा के बैठते हैं, चटाई वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी चल रही है। तो फिलहाल आप लोग उससे बात करेंगे। मटकी आई है, मटकी को पकड़ के रखना। चलो, तो ये हमारे घर का छत है। सब लोग यहाँ बैठ के सनसेट पॉइंट। अभी हम लोग सनसेट पॉइंट पे हैं और सनसेट एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। तो चटाई आ जाए। चलो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था कि आप गोधराई पे नहीं गए, आपको जाना था। तो मैं बता दूं, मुझे पता ही नहीं था कि गोधराई कब है, मैं वीडियो भी नहीं देखा था, बहुत रैंडमली देख रहा था थोड़ा बहुत, और मुझे एकदम से पता लगा आज सुबह ही कि आज ही गोधराई है। तो वो भी किसी का कॉल वॉल नहीं आया था, मैसेज आया था एक छोटा सा, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है। और इसका शाम के टाइम पे मेरा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ना ऑफ रहते हैं, तो उस पर फिर कॉल आया था, लेकिन मैं उस समय प्लॉट पर गया था, फ़ोन मेरा घर पर था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, अच्छे से हो गया सब कुछ, वो सबसे अच्छी बात है। तो ओवरऑल जाना था मुझे, अगर एक दिन का टाइम होता तो ज़रूर जाते, लेकिन मैंने फ़्लाइट भी देख रखी थी, लेकिन फ़्लाइट जो थी वो रात को लगभग 8-9 बजे पटना ही पहुंचता मैं, फिर उसके बाद से क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं होती है ना, और ट्रेन्स तो आपको पता ही है एक दिन लगता ही है कम से कम, तो मैं एकदम इमिडिएट भी फ़्लाइट ले लेता, लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो जो चीज़ हुआ, जितना हुआ पॉसिबल आप लोगों को बताया, और अभी फ़िलहाल हम लोग छत पर बैठे हैं, तो पैर दर्द हो गया। कितना थोड़ा सा अलग लगता है, मतलब हम जो सोचते हैं ना चीज़ें वैसी होती नहीं है। हिमाचल में बारिश हो रही है, देख लो सामने, उस साइड हिमाचल साइड एकदम काली काली घटाएँ घेरी हुई है। तो हिमाचल और उत्तराखंड तो चलो ठीक है, हिमाचल साइड तो हो रहे हो। तो यही था मन में, मतलब था कि चलो जाऊँगा मैं, मेरे को ये था कि चलो मैं सरप्राइज देता, लेकिन अब नहीं जा पाया। और ऊपर से ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी प्लॉट का काम भी था, मेरे को एक्चुअली 1% आइडिया होता ना कि आज ही है, एक दो दिन पहले भी, तो फिर मैं निकल चुका होता, लेकिन मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। और प्लॉट पे काम था, आज इतने काम किए, सुबह से व्लॉग शूट करने टाइम नहीं मिला, अभी जब मिस्त्री लेबर सब चले गए ना, अभी पेमेंट भी दिया, सब चले गए तब जा करके मेरे को टाइम मिला था, मैंने सोचा कि चलो यार आपको शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। पैर में रोज़ शाम को इतना भयानक दर्द होने लगता है बहुत तेज़, और अभी तो बस वो फिटिंग्स वगैरह लग रही थी बाथरूम की, तो कल अब सारी सीट्स वगैरह लगेंगी, और अभी तक तो जो टैप्स वगैरह थे वो चीज़ें लग गई हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे सब कुछ लगेगा, वैसे वैसे आप लोगों को सब कुछ दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी छत पे हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, और क्या, बस यही इन्जॉय कर रहे हैं। आई होप कि सब लोग खुश हों। मटकी, हाथ नहीं छोड़ना। तू कौन है? कौन है तू? याद कीजिए, कृष्णा भैया। पहले बोल कौन है तू? अपने घर जाना है? है? जाएगी अपने घर? अपना नाम बता जल्दी। माना। और
सचिन भैया को प्यार करती हो या मनीषा दीदी को? आपको? आपको किसी कर दो, जो जो मुझसे प्यार करता मुझे किसी कर दो। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये खड़ी हो, सब पहले सीधी खड़ी हो, आपको सचिन भैया अच्छे क्यों लगते हैं? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, पहले बोलो, पहले बोलो, एरोप्लेन एरोप्लेन वो देखो, अब बोलो, पहले बोलो आपको सचिन भैया क्यों प्यारे लगते हैं? ओए मटकी, चलो गाइस, तो आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहो, बाकी घर चल के ब्लॉग को एंड करेंगे। सब लोग बैठे हुए और ऊपर एरोप्लेन दिख रहा है, ये देखो ये एरोप्लेन है, लेकिन कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को लग रहा है रॉकेट है, बताओ। हमको नहीं लगा, हम बोले हम एरोप्लेन ही बोले हैं। क्या बोला था नोना? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। माना गोद में आ चुकी है और हम लोग यहाँ बैठ गए, आप खेलेंगे हम लोग। क्या खेलेंगे माना? कौड। क्या खेलेंगे? कौड़। चलो चलो कौड़ खेलते हैं सब लोग, जल्दी जल्दी हाथ रखो। कौआ उड़, माना उड़, कौआ का बच्चा उड़। माना उड़, माना कबूतर है, माना उड़ती है, उड़ाऊं? माना उड़ा दूं? उड़ में यहाँ चोर पकड़ा गया ये। तीन चार पांच, इन दो लोग चोर पकड़े हैं, ये दोनों देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं तो फिट बैठ गया। पांच बार मारा जाता है। पांच पे सलाम करेगा, सलाम करो, सलाम करो, पांच पे सलाम करो जल्दी, सलाम साहब। इस बार चोर ये पकड़ाया हुआ है। सलाम कर, सलाम कर, सलाम कर, सलाम करो। लग गया, लग गया, लग गया ना? नहीं लगा, बच गया। लेकिन तुम हाथ इधर तक मार दे रहे हो। नहीं, उसी पंजा पे लगना चाहिए, उधर का नहीं दिलाएगा। हम कौन है? हो गया खत्म, हो गया। हाँ अभी हम लोग हैं, इनको डेयर मिला है। चलो दम जोर से बोल रहे हैं, चलो जोर से, चलो आ चुका है ऑटो सामने। शक्तिमान जैसा घूमना भी है, चलो जल्दी घूमता है, चलो चलो जल्दी। उसके बाद और बचा अभी, इसके बाद खत्म हो जाएगा, 20 तक होगा, आओ ना अभी जल्दी कर ले। इसके बाद फिर से तुमको मारने वाला है। क्या बोल रहा है? गांव वालों, मैं आ चुका है, मैं शक्तिमान आ चुका हूँ। गांव वालों, मैं पूरा हाथ फैला के आ चुका हूँ जोर से। किलवी से इस तो अब आ चुका हूँ घर पे, रात के बज रहे हैं 8:15, आई थिंक 8:15 के आसपास हो रहे होंगे। कॉलोनी में बाहर बातचीत होने लग गई, कुछ लोग नए शिफ्ट हुए हैं अपने अपने नए घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलोनी धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन ज़्यादा भर जाएगा तो मज़ा सर थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अभी बहुत ग्रीनरी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी डिनर वगैरह की तैयारी चल रही है, और अभी मेरे को कुछ काम था तो वो मैं काम अभी करूँगा। फिलहाल चलते हैं किचन में। कौन सा सरसों तेल ले आई तुम भाई? गाइज हम, मुझे ना सरसों के तेल में ही खाना अच्छा लगता है। ये नया डब्बा, अच्छा वहीं से आया हुआ था ना, मशीन का पेरा हुआ। हाँ, वही इसी का बनता है। तो अभी यहाँ पे खाना बन रहा है। तो अभी पता ही नहीं था कि मतलब सरसों के तेल के अलावा भी दूसरे तेल बनता है, अभी पता लगा है। नहीं, दूसरे कई लोग सोयाबीन ऑयल, कई लोग ऑलिव ऑयल, अलग अलग वो होता है। तुम ना इस पे एक थोड़ा सा ध्यान देना, ये गैस पे क्या कह रही थी ना कि स्मेल कर रहा है। चलो गाइस, तो फिलहाल हमारे घर में क्या बन रही है? आलू की सब्जी, बस आलू और बीन्स बना रहा है। बीन्स भी लाए थे ना, तो इतने बना नहीं। आलू बीन्स का दुख रहा है, पहले मेरे को दूध चाहिए चाय पीने के लिए। नहीं है क्या दूध? अब बोले कल से ज्यादा लाने के लिए। तो वो मिल जाएगा भांदी के घर से? नहीं, मुझे, मैं दूध नहीं पी पा रही हूँ ना, मेरा तो बहुत डाउन हो गया, सब लोग बोल रहे हैं। तो तुम आज क्यों नहीं बोली उसको दूध ले लेते ज्यादा? नहीं बोल पा रहे थे, अभी हम बोले हैं हम दूध नहीं लेने जाते। तो गाइस चलो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे वक्त के अनुसार। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।